नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जय अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अब भाजपा के मंडल अध्यक्ष के घर जा रहे हैं और आर्थिक मदद कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कोरोना संकट के इस दौर में, बाढ़ के इस दौर में, जब पूरा बिहार डूब रहा है, 10 से अधिक ज़िले जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं, अब हेलीकॉप्टर से खाना फेंकने की तैयारी है, खाना ड्रॉप करने की तैयारी है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं स्थितियां कैसी होंगी। ऐसे में पप्पू यादव जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो, तस्वीर आप देख रहे होंगे, बेतिया पहुंचे हैं। बेतिया विधानसभा के मित्रा चौक लादूराम गोला निवासी कन्हैया गुप्ता, जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, उनका निधन हो गया था बीते दिनों ऑक्सीजन के अभाव में। ऐसे में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट श्रीकांत दुबे ने 50,000 रुपये मांगे थे, ऐसा आरोप उनके परिजनों ने लगाया है। रो रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मदद के गुहार लगाने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, ये भी वो बता रहे हैं। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हैं और उन्होंने इस परिवार की आर्थिक मदद की है। हालांकि आर्थिक मदद की अगर हम बात करें तो कोई नई बात नहीं है, आर्थिक मदद पप्पू यादव अक्सर करते रहते हैं और वो वीडियोज़ अक्सर वायरल होते रहते हैं, वीडियोज़ हम भी दिखाते रहते हैं। लेकिन इस आपदा की घड़ी में भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर पहुँचे पप्पू यादव, आप तस्वीर देखते होंगे किस तरह के उनके जो परिजन हैं वो रो रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी और जेडीयू चुनाव का सोच रही है और बीजेपी के एक मजबूत सिपाही, मंडल अध्यक्ष को मजबूत सिपाही कहा जाता है क्योंकि मंडल अध्यक्ष बहुत सारे मिलकर ही तब बीजेपी को जीत दिलाते हैं, ऐसे में जब मंडल अध्यक्ष की मौत हो जाती है तो ऐसे में पैसा देने के लिए और आर्थिक मदद करने के लिए, बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात यहाँ मदद की है, बात यहाँ आवाज़ उठाने की है। तो ऐसे में पप्पू यादव पहुँचते हैं इस कोरोना संकट के दौरान में। खास करके कहा जाता है जिस व्यक्ति के घर कोई कोरोना पॉजिटिव आजकल पाया जा रहा है उसके आसपास में भी लोग नहीं भटकते हैं, लेकिन जिस घर में एक व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद हो जाती है फिर भी वहां जाना, ये कहीं ना कहीं पागलपन का सबूत है। आप देखते होंगे पहले भी, अगर हम पप्पू यादव से कई बार कहते हैं कि पागलपन क्या पर चढ़ जाता है लोगों का गम देकर, वो कहते हैं कि हाँ हम पागल हो गए हैं, हम पागल हो जाते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दौरान में, बाढ़ के दौरान में लगातार वो क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपने आप लाइव स्ट्रीम कर बन रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जो हैं वो और बढ़ती हैं, वैसे में क्या दावे और किए जाएंगे, क्या विपक्ष जो है वो आरोप और लगाएगा और सत्ता पक्ष जो है वह आने वाले समय तक जो अपनी रणनीतियाँ हैं उसमें कुछ बदलाव करेगा, क्योंकि दावे और नारे गढ़े जा रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट के दौरान और बाढ़ के दौरान क्या चुनाव कराना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी नहीं है तो सत्ता पक्ष की आवाज़ क्यों मौन है, क्यों चुनाव आयोग पर सब कुछ फेंक दिया है, ये जवाब क्यों नहीं देते, ये कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त चुनाव कराना ठीक नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।